गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जीके फॉर क्लास 8. सो दिस इज योर बुक. टेक आउट योर बुक. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 6. Open your chapter number 6. Species of insects. कीड़ों की प्रजाति. स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स. कीड़ों की प्रजाति. हम लोग कीड़ों की प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ. इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ. कीड़े पृथ्वी पर सबसे सफल जीवन रूप है. कीड़े पृथ्वी पर सबसे सफल जीवन रूप है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 million स्पीसीज. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 million स्पीसीज. दुनिया में कीड़ों की लगभग 10 million प्रजातियां हैं. इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में कीड़ों की लगभग 10 million प्रजातियां हैं. एंड इंसेक्ट्स हैज़ अ हार्ड जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन एंड इन द एडल्ट अ बेबी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. एक कीट में एक कठोर जोड़ वाला एक्सोस्केलेटन होता है और वयस्क में एक शक्ल 3 भाग में होता है. द थ्रॉक्स एंड द एब्डोमन. जो उसका सिर होता है और थ्रोट क्या होता है और वयस्क में एक सिर हो 3 भागों में होता है. सिर वक्ष और पेट क्या होता है 3 भागों में होता है. फर्स्ट क्या है देखिए मेरी बुक फिल है. फर्स्ट क्या है डैश इंसेक्ट्स साइंटिफिक नेम्स इज एपिस मेलिफेरा. डैश इंसेक्ट्स मतलब इसमें क्या फिल करेंगे हनी बी. हनी बी यानी मधुमक्खी. इंसेक्ट साइंटिफिक नेम इज एपिस मेलिफेरा. मधुमक्खी कीट का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा है. मधुमक्खी बी का साइंटिफिक नाम एपिस मेलिफेरा है. नंबर 2 सोलो लिटिल भूटान ग्लोरी नागा हेज ब्लू और बटरफ्लाइज आर बटरफ्लाइज. ये सारी बटरफ्लाइज की प्रजातियां हैं. कौन कौन सी स्वालो टेल भूटान ग्लोरी नागा हेज ब्लू आर बटरफ्लाइज. ये सारी तितलियां हैं. ठीक है ये सारी तितलियां हैं. ये तितलियों की प्रजातियां हैं. कोई अगर आपसे पूछे कि तितलियों की प्रजातियां कौन कौन सी है तो आप लोग बता देंगे स्वालो टेल भूटान ग्लोरी नागा हेज ब्लू. ये सारी तितलियों की प्रजातियां हैं. नंबर 3 मलेरिया डेंगू लाइक डिजीज आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो. मलेरिया डेंगू लाइक डिजीज आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो. फिल करिए मॉस्किटो MOSQUITO MOSQUITO मॉस्किटो.
नेक्स्ट क्या है? The hobby fly has wasp like strips and can fly backwards, slideways, up and down. होवरी में ततैया जैसी धारियां होती हैं. होवरी में ततैया जैसी धारियां होती हैं और यह पीछे की ओर बगल में ऊपर और नीचे उड़ सकती हैं और यह पीछे की ओर बगल में ऊपर की ओर और नीचे की ओर उड़ सकती हैं. नेक्स्ट है सिकाकला. CICACLA have a exceptionally loud song produced by timbrels. सिकाकला में एक असाधारण लाउड गीत है जिसे टिम्बल द्वारा निर्मित किया गया है. CICACLA. नंबर 6, गैलियत लॉन्ग हॉर्न लेडी बर्ड एंड वायलिन आर बैटल. गैलियत लॉन्ग हॉर्न लेडी बर्ड और एंड वायलिन आर बैटल. गैलियत लॉन्ग हॉर्न लेडी बर्ड और वायलिन बैटल है. नेक्स्ट मार्बल डेजर्ट्स एंड इम्पीरियल आर स्कॉर्पियंस. मार्बल डेजर्ट एंड इम्पीरियल आर स्कॉर्पियंस. मार्बल रेगिस्तान और शाही बिच्छू हैं. मार्बल डेजर्ट एंड इम्पीरियल रेगिस्तान और शाही बिच्छू हैं. नंबर एट द ड्रैगनो फ्लाई इज नोन एज डेविल्स डेनिंग नीडल्स. द ड्रैगनो फ्लाई इज नोन एज डेविल्स डार्निंग एंड नीडल्स सॉरी डार्निंग नीडल्स. ड्रैगनो फ्लाई इज नोन एज डेविल्स डेरिंग. ड्रैगनो फ्लाई क्या है? डेरिंग के रूप में जाना जाता है. इसे नीडल्स डेरिंग नीडल्स मतलब एक डेरिंग सुई के रूप में जाना जाता है. ड्रैगनो फ्लाई DRAGONFLY ड्रैगन फ्लाई. नंबर 9 द क्रिकेट प्रोड्यूस चिरपिंग साउंड बाय रबिंग इट्स फ्रंट विंग्स. द क्रिकेट प्रोड्यूस चिरपिंग साउंड बाय रबिंग इट्स फ्रंट विंग्स. द क्रिकेट क्रिकेट क्या है? एक कीट होता है, एक कीड़ा वो भी है. क्रिकेट एक बहुत ही चहकती हुई ध्वनि उत्पन्न करता है. जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट वाला जो कीड़ा होता है, देखिए रात में गांव में जाइए तो जुगनू दिखता है ना, तो वो कैसे साउंड करता है? चिक चिक चिक, एक छोटी चिक 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 करके बहुत लाइटली साउंड करता है, तो चहकती ध्वनि उत्पन्न करता है. अपने सामने के पंखों को रगड़ते हुए बहुत ही चहकती हुई ध्वनि को उत्पन्न करता है. नंबर 10 The वेवरेंट makes its nest by swing the leaves of plants together with the help of sticky thread produced by
इट्स लार्वा द वेब्रेंट वेब्रेंट एक कीट है मेक्स इट नेस्ट अपने लार्वा द्वारा उत्पादित चिपचिपे धागे की मदद से पौधों की पत्तियों को आपस में सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है। जो वेब्रेंट होती है इसको ये वेब्रेंट मीन्स क्या होता है सिलाई करना सिलाई वाली होती है जो इसीलिए इसको सिलाई वाले कीट के नाम से भी जाना जाता है। जो वेब्रेंट होती है अपने लार्वा द्वारा उत्पादित चिपचिपे धागे की मदद से लार्वा मतलब जो लार इसका चूता है लार इसके मुँह से आता है उसी से वो क्या करती है दो पत्तियों को जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। तो ठीक है ये समझ में आ गया आई होप आप सबको समझ में आ गया साथ साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।